नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। दोस्तों, अंगिका अवेंजर्स और दरभंगा डायमंड्स के बीच मुकाबला खेला गया। चौथा मैच था ये बिहार क्रिकेट लीग एसोसिएशन के तरफ से ऑर्गेनाइज्ड बिहार क्रिकेट लीग का। और बता दूं आपको, इस मुकाबले में अंगिका अवेंजर्स ने शानदार, बेहद ही कमाल का प्रदर्शन किया है और लगातार 2 जीत दर्ज कर लिया है बिहार क्रिकेट लीग के इस शानदार टूर्नामेंट में। जी हाँ दोस्तों, अंगिका अवेंजर्स ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए दरभंगा डायमंड्स को, एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत टीम को, शानदार तरीके से शिकस्त दी है और लगातार 2 मैचों में जीत लिया है। निश्चित दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं कमाल का प्रदर्शन रहा है अंगिका अवेंजर्स की टीम का अब तक। और बता दूं आपको, दरभंगा डायमंड्स ने टॉस जीत करके इस मुकाबले में फील्डिंग करने का फैसला किया था। ये मुकाबला शाम के 6 बजे शुरू हुआ था। सैफुल इस्लाम ने दोस्तों, बता दूं आपको कि अंगिका अवेंजर्स की तरफ से शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 35 गेंदों में 50 रन बनाए। 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे उनके इस इनिंग्स में। परंतु इनके अलावा बता दूं आपको कि अंगिका अवेंजर्स का कोई भी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सका और अंगिका अवेंजर्स महज 127 रनों पर ऑल आउट हो गई। अब यहां से लग रहा था कि अंगिका अवेंजर्स के खिलाफ दरभंगा के लिए जीतना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको बता दूं कि दरभंगा की तरफ से विपुल कृष्णा ने 3 और शब्बीर खान ने 2 शानदार विकेट चटकाए। यहाँ से जीत कहीं ना कहीं बहुत ही आसान लग रही थी दरभंगा डायमंड्स की। लेकिन आपको बता दूं, दरभंगा की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए हर्ष राज ने 25 रनों की नॉट आउट पारी खेली। वहीं बाबुल कुमार ने 16 रन बनाए। बाबुल कुमार कप्तान हैं और उन्होंने पिछले मुकाबले में बिल्कुल भी अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी थी और उम्मीद से बिल्कुल परे, बिना कोई रन बनाए उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया था। और इस मुकाबले में बेहद ही कहीं ना कहीं शर्मनाक प्रदर्शन रहा है। उम्मीदें थी बाबुल कुमार से कि इस मुकाबले में जरूर वापसी कराएंगे वह अपनी टीम को, पर वो 16 रन पे आउट हो गए। और आपको बता दूं कि आशुतोष अमन और निकू कुमार ने 3-3 विकेट चटकाए अंगिका अवेंजर्स की टीम की तरफ से, और राहुल कुमार को वहीं पर 2 विकेट मिला। और दरभंगा डायमंड्स की टीम, जो कि बिल्कुल आसानी से जीती हुई नज़र आ रही थी इस मुकाबले में, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक हार झेल गई। यहाँ दोस्तों, महज 69 रनों पर ऑल आउट हो गई 15.5 ओवरों के बाद दरभंगा डायमंड्स की टीम। और उम्मीद थी कि इस मुकाबले में दरभंगा की टीम शानदार प्रदर्शन करेगी और गेंदबाजी से कहीं ना कहीं किया भी था दरभंगा के प्लेयर्स ने, जैसे विपुल कृष्णा ने 3, शब्बीर खान ने 2 विकेट चटकाए थे और महज 127 रनों पर रोक दिया था अंगिका अवेंजर्स जैसे खतरनाक टीम को, जिसने पटना पायरेट्स को हराया था। तो उम्मीदें थी कि दरभंगा डायमंड्स की टीम जो है वो इस मुकाबले में बेहद ही कमाल की जीत दर्ज करेगी। और निश्चित तौर पर ये दरभंगा डायमंड्स के लिए एक कहीं ना कहीं धक्का ही है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी थी, भागलपुर बुल्स जैसी खतरनाक टीम को हराया था, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने जैसे हथियार ही डाल दिया और महज 69 रनों पर ऑल आउट हो गई दरभंगा की टीम और इस मुकाबले को गंवा बैठी। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, साथ ही क्रिकेट के लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ। लव यू ऑल।